Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new update. बहुचर्चित कविता रैना हत्याकांड का आरोपी महेश बैरागी सबूतों के अभावों के चलते बरी। सूखे कुएं में मिली महिला की लाश, जांच जारी। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, मौत। गीता एयरकूल्ड गीता टॉकीज में अमिताभ बच्चन का शानदार धमाका, 102 नॉट आउट। अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर की शानदार अदाकारी, गीता एयरकूल्ड में 102 नॉट आउट। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 2 साल पहले दिल दहला देने वाले कविता रैना हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी महेश बैरागी को रिहा करने का फैसला सुनाया। फैसला सुनते ही कविता रैना के परिजनों की आंखों में आंसू आ गए, वहीं परिजनों में काफी आक्रोश भी देखा गया। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में 2 साल तक ट्रायल चला और कई गवाहों की गवाही के बाद भी आरोपी आज बरी हो गया। ये मामला वर्ष 2015 का है। 24 अगस्त के दिन कविता रोज की तरह बेटी को बस स्टॉप लेने गई थी, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। 3 दिन बाद 3 इमली पुलिया के पास एक बोरे में उसकी लाश 6 टुकड़ों में मिली। वहीं 30 अगस्त को उसकी एक्टिवा नौलखा बस स्टैंड की पार्किंग परिसर में मिली, जिस पर खून लगा था। 9 दिसंबर को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बुटिक सेंटर संचालक महेश बैरागी निवासी मूसाखेड़ी को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया, लेकिन 41 गवाहों की गवाही भी काम नहीं आई और आरोपी महेश बैरागी दोष मुक्त हो गया। बुरहानपुर के शिकारपुर थाना क्षेत्र के खड़कोत गांव में सोच करने गई महिला जब वापस नहीं आई तो परिजनों के द्वारा तलाश की गई। उसके बाद महिला की संदिग्ध अवस्था में एक सूखे कुएं में लाश ग्रामीणों को नजर आई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। महिला की लाश सूखे कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर बाद एडिशनल SP सहित FSL की टीम मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकाल जांच शुरू की। नेशनल हाईवे 69 पर खेड़ा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी चालक की जान ले ली। वही दुर्घटना होते ही डंपर चालक फरार हो गया। हादसा सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। दुर्घटना के चलते लगभग आधा घंटे तक जाम की स्थिति निर्मित होती रही। उसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम बफाती पिता वीर खान, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी पुरानी इटारसी बताया गया। कर्नाटक चुनाव में जिस प्रकार राज्यपाल द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत न होने के बाद भी सरकार बनाने का मौका दिया, उसके खिलाफ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी होशंगाबाद के द्वारा शासकीय चिकित्सालय के सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर धरना दिया गया एवं राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सैनी ने कहा कि आज देश का माहौल खराब है। सत्ताधारी पार्टी संविधान की सभी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रही है, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। इस अवसर पर परवीन बुधोलिया, कुसुम तोमर, सीमा श्रीवास, लता माधव, संतोष तोमर, धर्मेंद्र तिवारी, सूरज तिवारी सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। होशंगाबाद नगरपालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दीर्घकालीन कार्यकाल की कामना को लेकर मां नर्मदा संकल्प सिद्धि यात्रा पर पत्नी सहित अपने दोस्तों के साथ नर्मदा परिक्रमा पर निकले। सिवनी मालवा के नर्मदा घाटों के दर्शन कर शहर से निकलते समय सूत्रधार संस्था के मुकेश मंसूरिया, विजेंद्र यादव, राजेंद्र पालीवाल, अनिल कलवानी सहित अन्य नागरिकों ने सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों का भव्य स्वागत सत्कार किया। आपको बता दें कि होशंगाबाद में सीवर लाइन और फिल्टर प्लांट का भूमि पूजन होने और नर्मदा सेवा मिशन के कार्यों से नर्मदा को प्रदूषण मुक्त होने के चलते होशंगाबाद नपा अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल का जल्द ही संकल्प पूर्ण होने वाला है, जिसके चलते ही यह नर्मदा परिक्रमा निकाली गई है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर तहसील होशंगाबाद में पटवारी संघ के संभागीय अध्यक्ष दिनेश तिवारी के नेतृत्व में पटवारियों ने अपने अतिरिक्त हलकों के बस्ते तहसीलदार संजीव मांडरे को सौंप दिए, जिसके चलते अब राजस्व कार्य प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष होशियार सिंह चौहान, जिला संयोजक अनिल सेठ, देवी प्रसाद मेहरा, नीतू श्रीवास्तव सहित अन्य पटवारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ मध्य प्रदेश के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन सौंप 1 जून से 10 जून तक गांव बंद आंदोलन के प्रचार की अनुमति की मांग की गई। आपको बता दें कि 1 जून से 10 जून तक किसी भी प्रकार की वस्तु का विक्रय गांव से शहर में नहीं होगा। आंदोलन करने का उद्देश्य किसानों एवं मजदूरों को उनकी वस्तु का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सहित अन्य मांगों को लेकर है, जिससे कि किसान एवं मजदूर भी आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। खोरिया खैरहट खुर्द थाना बारा जिला इलाहाबाद के गाँव में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ग्रामीणों को ही लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव के चौराहों पर या तो सोलर लाइट ही नहीं है,
या फिर है भी तो वहाँ लाइट जलती ही नहीं है। घटिया शौचालय का निर्माण किया गया है जिसका भी कुछ ही लोगों को फायदा दिलाया गया है, जिसकी जांच यदि संबंधित अधिकारियों के द्वारा की जाती है तो कई बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं। उपनगरी बानापुरा में EMT अमित पटेल और पायलट सचिन वर्मा ने आम नागरिकों, ऑटो चालकों, हम्बालों सहित दुकानदारों को 108 एम्बुलेंस की पूर्ण जानकारी दी और बताया कि 108 एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधाएं होती है और कैसे इसे बुलाया जाता है।